और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सुखदेव गोगा मेडी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नितिन और रोहित को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है और शूटर रोहित जयपुर के जोटवाड़ा का रहने वाला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के होटल में दोनों शूटर छिपे हुए थे। दोनों आरोपियों की मदद करने वाला भी गिरफ्तार किया गया। दोनों शूटर्स को जयपुर लेकर आ रही है पुलिस। आरोपियों को दिल्ली से जयपुर लाया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ये दो वही शूटर जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी खबर मिल रही है, दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या अपडेट पूरे मामले को? देखिए, इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नितिन, रोहित राठौर और उसके एसोसिएट उधम को गिरफ्तार किया गया है। और इन जो गिरफ्तारी हुई है, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस की साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अगर सूत्र की अगर माने तो इस मामले में पिछले काफी समय से तलाशा जा रहा था और इसी बीच में राजस्थान पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस से मदद की। एक कहा गया था कि इस मामले में उन्हें जो तमाम जो जानकारियां मिल रही थी, जिससे उसे पहले से ही इस मामले में एक सप्ताह पहले जानकारी मिली थी कि दिल्ली एनसीआर के आसपास में इन दोनों आरोपियों के होने की जानकारी मिली थी। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा राजस्थान पुलिस के साथ में उन तमाम इनपुट्स को साझा किया गया था और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तारी हुई है। और उधम की अगर बात करें, देखिए उधम एक नया नाम है। उधम को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि रोहित राठौर और नितिन को जो छुपाने का काम इसने किया था, वो तमाम जितने भी जो उसकी मदद चाहिए थी, चाहे गाड़ी उपलब्ध कराना, होटल में रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराना और इसके साथ ही जो अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने में इसकी भूमिका रही थी, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। तो थोड़ी देर के बाद आज दोपहर में जब राजस्थान पुलिस के द्वारा इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसके बाद तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो जिस तरह से कर्णी राजपूत सेना के अध्यक्ष की जिस तरह से हत्या हुई थी, यह मामला सिर्फ राजस्थान में चर्चा का केंद्र नहीं बना बल्कि देश में काफी चर्चा का केंद्र बना। लेकिन अब उसके आरोपियों की को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो निश्चित तौर से पुलिस के लिए शंकर आनंद एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का गुस्सा और आक्रोश हमने राजस्थान की सड़कों पर देखा, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन इसके पीछे कई तरह की थ्योरी सामने आई। जब मौत की वजह का पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तलाश कर रही थी आरोपियों की, कई सारे एंगल निकलकर सामने आए। लेकिन अब चूंकि कई दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में वो कौन सी थ्योरी है जो कि सच होती हुई नजर आ रही है? और इसके अलावा दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, आगे की अब क्या प्रोसेस रहेगी, क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले इन दोनों तीनों आरोपियों को वहां पे पेश किया जाएगा। पहले जयपुर लेके जाएंगे और जयपुर ले जाने के बाद उसके बाद वहां के स्थानीय कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। हालांकि आज रविवार का दिन है, तो हो सकता है कि जज के घर पे भी वहां पे पेश करके एक दिनों की रिमांड ली जा सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पे आज जो है अवकाश का दिन होता है। और जिस तरह से गोगा मेडी की हत्या करने के बाद जो जिस तरह से जानकारी मिली थी कि वो राजस्थान से होते हुए हिसार की ओर भागा था, हिसार जो हरियाणा का एरिया है और राजधानी दिल्ली से बेहद सटा हुआ है, तो हिसार भाग गया था और वहां से होते हुए मनाली और मनाली से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचा और चंडीगढ़ में जाकर के वहां छुपने की वजह यही रहती कि वहां पर इन लोगों के लिए आराम से रहने के लिए वहां पे व्यवस्था करवाया गया था, वो तमाम व्यवस्थाओं को। लेकिन शंकर, वो कौन लोग थे जो पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे इनके लिए? अब देखिए, इस मामले पर आज औपचारिक तौर पर राजस्थान पुलिस के द्वारा जानकारी साझा की जाएगी, वो बताया जाएगा कि आखिर ये उधम का कैरेक्टर क्या है, उधम क्यों इसकी मदद कर रहा था और इस हत्याकांड को अंजाम देने में और किन किन लोगों की भूमिका रही है। क्या इस मामले में, इस हत्याकांड में सिर्फ रोहित राठौर और नितिन मुख्य आरोपी है या इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, तो उसके बारे में तमाम जानकारियों के बारे में आज तो शंकर अभी भी कई सारे सवाल हैं पुलिस के सामने जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। लेकिन फिलहाल दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और आज सुबह उन्होंने जनता दरबार लगवाया और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आगे, जहां पर लोगों की फरियाद भी उन्होंने सुनी और साथ ही समस्या के जल्द ही समाधान के आदेश भी दिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, उनकी फरियाद को सुनते हुए ये तस्वीरें आप देखिए और उनके साथ में अधिकारी भी मौजूद रहते हैं जनता दरबार में। तो ज्यादातर ऐसी समस्याएं जिनका समाधान तुरंत ही हो जाता है और जो बाकी समस्याएं होती हैं उनके भी जल्द समाधान के निर्देश सीएम की तरफ से दिए जाते हैं। तो जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहते हैं जनता दरबार जरूर लगाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर। और देखिए एक लंबी कतार, महिलाएं भी अपनी समस्या लेकर पहुंची हुई है और एक एक कर इन सभी की समस्याएं मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, जान रहे हैं और उसके बाद में अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं इन समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाए। ले लिया।